तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आपके एक न्यू ब्लॉग पर। मैं अभी खेत से आ रहा हूँ दोस्तों, ट्रैक्टर लेके गया रहा, तो बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा आज। इतने बार ट्रैक्टर चला रहा था, बस आराम चल रहा था, फंस फंस के गड्ढा में फंस रहा था, फिर इधर फंस रहा था, परेशान हो गया। इसलिए मैं अभी घर आ गया हूँ, वहाँ कुछ वीडियो दिखा बनाया हूँ, उसको दिखाता हूँ आपको। अब घर आ गया हूँ, अब घर में जाके और कुछ काम कर लेता हूँ। बाकी दोस्तों, मेरा हाइड्रोलिक भी काम नहीं कर रहा था आज, और टायर भी ख़राब रहा। टायर तो ख़राब है, इसके कारण ऊपर से नहीं जा रहा है। तो देखते हैं, थोड़ा पानी आ जाए खेत में तो तब कहीं चल सके। अभी क्या है ना दोस्तों, ज़्यादा पानी नहीं रहा था इसलिए चलाने में परेशानी जा रहा था। तो लकड़ी लेके जा रहे हैं हम लोग दोस्तों, और ये आई का डब्बा हाइड्रोलिक काम नहीं कर रहा था, खेल कर लिया। और एक बात बता दूं, आज फिर मेरे को सर्दी रख लिया है, इसलिए और थोड़ा परेशानी जा रहा है। क्या है ना, एलर्जी वाला है, हर करीब 2-3-4 दिन में रख ही लेते हैं, सर्दी मेरे को पकड़ लेता है। अब क्या करें, इलाज भी उसका चल रहा है लेकिन एलर्जी को सही इलाज भी नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों, मैं जाके नहा आता हूँ, फिर नहाने के बाद कुछ बातें करते हैं। वैसे भी मैं कीचड़ कीचड़ हो गया हूँ। तो दोस्तों, मैं नहा के सो गया रहा, सो गिरने के बाद अभी करीब 5 बजे है, अभी उठा हूँ और जा रहा हूँ थोड़ा पिंडरा, मतलब सिटी जा रहा हूँ, थोड़ा मार्केट से कुछ सामान ले आता हूँ। और देखा तो घर में अभी खाना ही नहीं बना था, तो होटल से कुछ नाश्ता भी कर आएंगे। दोनों भाई जा रहे हैं हम लोग किसी के साथ, तो चलते हैं फिर। और दोस्तों, एक बात बताना भूल गया, हमारा MA इंग्लिश का रिजल्ट भी आ गया, मतलब 4th सेम कंप्लीट हो गया। MA इंग्लिश उसका रिजल्ट भी आ गया। अब घर में लिखे थे तो पास ही हो गए, बढ़िया नंबर भी ठीक ही आ गया। अब ऑनलाइन तो पेपर रहा, इसका कारण आप जानते ही हो गए आप। और अगर ऑफलाइन हुआ होता तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता हमको, ऑनलाइन था तो चलिए चलो अच्छी बात है, जल्दी मतलब बढ़िया निकल गए हम लोग। ये जुगाड़ू भी आ गया अंडा लेकर, आज अंडा का सब्जी बनाएंगे ये। तो हम अभी होटल में आ गए हैं समोसा खाने के लिए। समोसा ये आ गया, समोसा। हेलो, और दोस्तों मैं मार्केट से घर आ गया अभी। क्या है, बादल किया हुआ था, पानी गिरने लगा, तो जल्दी जल्दी आ गए सामान लेकर।
बाजार से। तो दोस्तों अब ये हवा मस्त चलने लगा है अभी, और मेरे को सर्दी तो रखा हुआ है और परेशानी भी हो रहा है। और मैं भी पेंडा से आया दोस्तों, तो देखा घर में तिल का लड्डू बन रहा है, तो जाऊंगा उसको खाऊंगा, देखूंगा सर्दी कम होगा, दिखाता हूँ आपको किस तरह बनता है। वैसे तो जानते होंगे आप लोग। ये देखो दोस्तों तिली का लड्डू बना हुआ है, फायदा करता है इसको खाने में बहुत ज़्यादा। ये सुबुड़ में पका के बना रहे हैं, ये बना रही हमारी मम्मी, भिड़े हुए हैं। आज गुरु पूर्णिमा है, इस कारण घर में तिली का लड्डू बन रहा है, तो एंजॉय करेंगे। तो दोस्तों शाम हो गया, शाम करीब 6-7 बज गए हैं, और अब आज के लिए बस इतना ही, और मिलेंगे कल एक नए वीडियो पर। तब तक के लिए धन्यवाद आपका सबका।